यूपी के फिरोजाबाद में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक दिन में दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में महिलाओं की हत्या ने पूरे जिले के पुलिस प्रशासन को चुनौती भरा दिन बना दिया है। पहली हत्या थाना जसराना में हुई, जहां के जाजुमई गांव के चौराहे के पास बने घर की छत से 3 गोली लगा शव बरामद किया है। मृतिका रेणु की उम्र 22 साल बताई जा रही है, जिसकी शादी लगभग 3 वर्ष पहले हुई थी। मौजूदा समय में अपने भाई माँ छोटी बहन के साथ रह रही युवती की किसी ने 3 गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद सभी पारिवारिक लोग भी मौके से फरार है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है। क्राइम स्टोरी के लिए फिरोजाबाद से जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। रेनू नाम की महिला की मृत्यु हुई है और उसके ऊपर 4 फायर हुए, जिसमें से 3 उनको आराम से इंजरी है। तो उन सब चीजों से ऐसा लगता है, मतलब एक बड़ी जो मारने वाला था वो बड़ी घृणा से मार रहा था, क्योंकि 4-4 फायर करना एक महिला पर, और वो ऐसा उसका बिल्ट भी नहीं था, बहुत मध्यम बिल्ट की थी, बल्कि स्मॉल बिल्ट की महिला थी वो। तो उस पर अगर 4 फायर किए जा रहे हैं तो इसका मतलब लगता है कोई हिट मर्डर वाला मामला लग रहा है। अभी चूंकि वो एक पतित्या महिला थी, उनके पति से डिस्प्यूट चल रहा था, अभी और भी सब चीज़ें ये आ रही है, बहुत सारी चीज़ें जांच के दायरे में हैं। ये बहुत शीघ्र अनावरण होगा इस घटना का।